गाइस सुबह सुबह बहुत बोरिंग वाला था, क्या ही करेगा सोच के। ऊपर से बहुत बारिश भी गिर रहा है, बहुत दिन से धूप दिया था उसका, अभी आज बारिश गिर रहा है तो सोचे इतना बारिश में क्या ही कर सकता है बोल के। इसलिए आज सुबह सुबह परोठा बनाएगा बोल के सोच रहा है। तो देखिए आज मेरे साथ, हम आज परोठा कैसे बनाता है आप लोग के साथ शेयर करते हैं मेरा रेसिपी। तो बारिश हो रहा है, खुशी का दिन। और फूल भी ताज़ा ताज़ा लग रहा है बारिश मिलने का वजह से, देखो पानी मिलने का तो फ्रेश फ्रेश हो गया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आलू पराठा बनाने के लिए। आटा उसके बाद दिया, में हम पहले से ही आलू बिठा दिया है। अभी आटा को गून लेते हैं। तो आटा ढाल लेते, ज़्यादा आदमी नहीं है, हम लोग तीन ही इंसान हैं, तीन तीन खाने से भी हो ही जाएगा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट, ज़्यादा नहीं बनाएगा। अरे उरी बाबा ये क्या हो गया, मेरा तो आगे ही गैस निकल रहा है यहाँ से। अभी हमको इसको खोल के फिर से ठीक करना पड़ेगा, नहीं तो ये सीटी ही नहीं मारेगा। ठीक कर दिया, आज कोई कैमरा पकड़ देने वाला भी नहीं है, हो जाएगा, खुद से बना लेते हैं अकेला अकेला। तो ये मेरा आटा रेडी है, तो हम इसमें पानी डाल के इसको जल्दी जल्दी गून लेते हैं जब तक आलू हम मेरा रेडी नहीं हो जाते। पानी को भी आप लोग देख के डालिएगा, नहीं तो ज़्यादा ही गीला हो जाएगा, ज़्यादा गीला हो जाने से मज़ा नहीं आता। ज़्यादा गीला हो जाने से आप लोग फिर से आटा डाल के इसको मिक्सअप करना पड़ेगा। का डो रेडी हो रहा है। जो आटा था वो गून के तैयार हो चुका है, अभी मेरा आलू बचा है। आलू पकने के बाद उसको छील के आलू का चटनी बनाएगा, उसके बाद गोल गोल बना के चटनी में मिक्स करेगा। और ये हम लोग का छोटा मुन्ना उस दिन रिसेंटली पैदा हुआ है, देख सकते हैं इचिरो इचिरो इचिरो, नंगा हो गया। इसका मम्मी इसका पैन चेंज कर दे रहा है, पूरा सुसु करते ही रहते हैं, अभी ठंडा होने का जैसे बच्चा लोग को बहुत सुसु आते हैं ना। जो डो है वो जो गून के तैयार हो चुका है, कट लिया। अभी मेरा जो आलू है वो भी पक गया, तो हम आलू को छील लेगा। आलू को पहले तोड़ लेते हैं। I'm gonna make it.
मेरा तवा है गरम हो चुका है और ये मैंने रिफाइंड तेल डाला। जो तेल है वो गरम हो गया, इसलिए हम जो मेरा परोठा है उसको डाल देगा। मेरा जो परोठा है तवा में डल चुका है, ये पकड़े। खुशबू तो अच्छा आ रहा है। यहाँ तो यहाँ का आलू गिर गया, इसलिए यहाँ में एक आग बन गया। आग यहाँ का भी दो आग बन चुका है। इसको अच्छा से वेट होने देगा ताकि जो हम लोग का आटा है वो जो अच्छा से पक जाए। आलू आलू तो कुछ नहीं होता, पहले ही पक चुका वाला है, पर रोटी को अच्छा से पकने देना, नहीं तो पेट खराब हो जाएगा। बारिश के अंदर फिर भी बहुत ही गर्म है, परोठा बनाते बनाते आग आग निकल गया, उनका जो आलू है निकल गया ऐसे ऐसा हो गया। जो मेरा परोठा था वो तो बन के ख़त्म हो गया, अभी हम चाय बना लेते हैं जल्दी से फटाफट से। मेरा चाय का पानी रेडी है और आज हम बनाने वाले हैं टी स्पेशल से चाय। ये मेरा अमूल जो था हम इसको ग्लास में डाल चुका है, उसको हम पानी गर्म में फेंट के उसे उबलने देगा। उसके बाद लास्ट में हम जो मेरा चपाती को डालेगा। जब आप अमूल को पानी गर्म करके ऐसे अच्छे से फेंट लेते तो आपका क्या है जो अमूल है वो जो गट्टा गट्टा नहीं रहता। चाय को उबलते समय अच्छे से देखना है क्योंकि पूरा गिर जाता है गैस में। जो परोठा था वो बन के खत्म हो गया, चाय भी बना लिया। जल्दी जल्दी पकड़ो पकड़ो पकड़ो। देखो ये परोठा है क्या? हाँ आलू पराठा है वो, तो वो बोलो ना। बहुत ही मजा लग रहा है, स्मेल बहुत ही बढ़िया है। चलो खाते हैं। अब तीन तीन चाय किसके लिए? मम्मी दीदी। तो चलो इसको यहाँ रख दो। चाय नहीं पीते हैं इसलिए हम लोग जूस पी रहे हैं। मुझे भी डाल दो। तुम चाय नहीं पीगा? हम चाय नहीं पीगा। ओ ओ नैन्सी भी आती ही होगा। आ रहे बोलो। हाँ और कॉमलियम आएगा क्योंकि उसका उस दिन का काम नहीं हुआ था ना, जो हम लोग गया था बार बार। हाँ वही तो अभी आते ही होगा वो। क्या ब्रेकफास्ट करते हैं? चलो। पर मैंने तो खाना खा ही लिया सुबह, मेरा ब्रेकफास्ट वही होता है सुबह, दाल और दाल और चावल। क्या मम्मी आप तो पूरा भीज गया वो, और वहाँ है छोटे बच्ची। हम आप लोगों को पहले भी बताया था पसीघाट भी इतना गर्म हो चुका है, उस दिन से कितना 38 सेल्सियस में हम लोग था। उसके आज देखो आज हम लोग का टेम्परेचर, आज बारिश गिरा है ना, बहुत ही अच्छा लगा हुआ। आज का टेम्परेचर देखा ही नहीं कितना होता, इतना भी नहीं, इतना भी नहीं, अभी भी गिर रहा है हल्का हल्का। पहले खुद बनाया इसलिए खुद आगे आगे खा लेगा। क्या मम्मी तो पहले ही खा रहा है इधर। कैसा है? टेस्टी। टेस्टी जूत बोल रहा है, टेस्टी यहाँ से भी टेस्टी है बोल रहा होगा।
कैसा लगा मेरा बनाने वाला? क्रंची है, ऑयली है, नमक भी लगा हुआ है, नमक भी लगा हुआ है, टेस्टी है। पर क्या है? क्या? कुछ मिसिंग है? क्या? क्या क्या मिसिंग है लग रहा है? मिर्ची और चटनी नहीं होता है वो आलू पर होता है, ओनली आलू और तो क्या मतलब आलू का सब्जी नहीं है। इतना परोठा खाया है बचपन से देखा तो, लेकिन आलू का चटनी भूल गई। आलू मिक्स किया तो आलू परोठा है तो मतलब क्या सब्जी का साथ खाने मतलब सब्जी नहीं होने से भी हो जाता है। मेरा ब्रेकफास्ट बनाया वाला बहुत टेस्टी था ना। तो आज का ब्लॉग हम यही खत्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज, डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। परता टेस्टी था बोले, सुन के अच्छा लगा, घर वाला तारीफ किए। ओके थैंक यू।